हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एनडी सरकारी योजना में। दोस्तों, आज के टाइम में मोबाइल का यूज तो हर एक व्यक्ति करता है, चाहे वह कोई एंड्रॉयड फ़ोन हो या फिर कोई आईफोन। हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार के मोबाइल का यूज़ कर रहा है। लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा है अगर आपका फ़ोन कहीं गिर जाता है या फिर कोई उसको चुरा लेता है तो आप अपने फ़ोन को कैसे ढूंढ पाएंगे? आप कैसे पता लगाएंगे कि आपका फ़ोन कहाँ गिरा है या किसने चोरी किया है? तो मैं आपको बता दूं कि आप बड़े ही सिंपल से स्टेप्स का यूज करके अपने गिरे हुए या फिर चोरी हुए फ़ोन को वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी टॉपिक पर आज का वीडियो मैंने तैयार किया है। मैं आप लोगों को आज के वीडियो में एक एक स्टेप के लिए तरीके से बताऊँगा कि अगर आपका फ़ोन आपसे कहीं मिसिंग हो जाता है या फिर कोई उसको चुरा लेता है तो आप किस प्रकार से अपने खोए हुए फोन को वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी खास वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप इसका एक भी स्टेप मिस कर देते हैं तो आप यह जानकारी पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि इसी प्रकार के लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको लगातार। तो चलिए जान लेते हैं इस प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, जब आपका फ़ोन कहीं पर गिर जाता है या फिर उसको कोई चोरी कर लेता है तो आपको वहाँ पर क्या करना है? तो आपको फटाक से अपने किसी फैमिली मेम्बर या फिर अपने किसी फ्रेंड्स के फ़ोन को लेना है और उसके मोबाइल फ़ोन में एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए यहाँ से मैं आपको पूरा प्रोसेस लाइव दिखा देता हूँ। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगी। चलिए प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर सर्चिंग बॉक्स पर क्लिक करके आपको यहाँ पर लिख लेना होगा फाइंड माई डिवाइस। सिंपली फाइंड माई डिवाइस लिख के इसको सर्च कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर ये वाली एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगी। यह एप्लीकेशन एक गूगल की एप्लीकेशन है जो की गवर्नमेंट के द्वारा वेरीफाइड एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपको इंस्टॉल का साइन देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपली इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। जब आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी तो यहाँ ओपन पर क्लिक करके सिंपली इसको ओपन कर लेंगे। जब आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आपको जीमेल अकाउंट साइन करने के लिए बोलेगा। अब आप जिस फोन से सर्च कर रहे हैं उस फोन में जो जीमेल अकाउंट होगा सिंपली आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर इस जीमेल अकाउंट से रजिस्टर नहीं करना है, आपको नीचे एक ऑप्शन और देखने के लिए मिल जाएगा साइन एज गेस्ट। सिंपली इस पर क्लिक कर लें। जो फ़ोन आपका चोरी हो चुका है या फिर गिर चुका है उसमें जो जीमेल अकाउंट आप यूज़ कर रहे थे वही जीमेल अकाउंट यहाँ पर आप फिल कर लेंगे। चलिए यहाँ से मैं आपको जीमेल अकाउंट फिल करके दिखा देता हूँ। इस प्रकार से आप अपने मिसिंग फ़ोन का जीमेल अकाउंट यहाँ पर डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको उस जीमेल आईडी का पासवर्ड फिल करना होगा। दोस्तों, अगर आपके पास उस जीमेल अकाउंट का पासवर्ड नहीं है तो आपको उसका पासवर्ड कैसे निकालना है, इसके लिए भी मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, जो कि वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और वीडियो के आई बटन में भी मैंने उस वीडियो का लिंक दे रखा है। वहाँ से आप उस वीडियो को देख के अपना जीमेल अकाउंट का पासवर्ड निकाल सकते हैं। अगर आपके पास पासवर्ड ऑलरेडी है तो आप यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। मेरे पास जीमेल अकाउंट और पासवर्ड दोनों अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पर सिंपली जीमेल अकाउंट मैंने फिल कर लिया। अब यहाँ पर पासवर्ड भी इसका मैं फिल कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट का जो बटन मिलेगा सिंपली इस पर क्लिक कर लेंगे। अब कुछ इस तरह से आपके फ़ोन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ओपन हो जाएगी, जहाँ पर आपको यहाँ पर अपने फ़ोन का ब्रांड देखने के लिए मिल जाएगा, ब्रांड नेम देखने के लिए मिल जाएगा, अपने फ़ोन का यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं और अभी करंट टाइम में आपके फ़ोन की बैटरी कितने परसेंट चार्ज है वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक फ़ोन का आइकन दिखाई देगा जो कि आपके फ़ोन की लोकेशन बता रहा है कि आपका फ़ोन इस टाइम कौन सी लोकेशन पर है। तो इस फ़ोन पर आप क्लिक करके अपने फ़ोन की लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जूम करके देख लें तो यहाँ पर आपके फ़ोन की लोकेशन दिखा देगा। आपका फ़ोन जहाँ पर होगा वही आपको लोकेशन पूरी ये दिखा देगा। जूम करके आप देखते जाइए फ़ोन की राइट लोकेशन पर ये आपको पहुंचा देगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपका फोन अभी कौन सी लोकेशन पर है, आसपास की कौन कौन सी बिल्डिंगों के यहाँ पर नाम आ रहे हैं, कोई फेमस बिल्डिंग या कोई स्कूल कॉलेज या फिर कोई ऐसी जगह है, कोई इंडस्ट्री वगैरह ऐसी कुछ फेमस जगह हो जिसका नाम यहाँ पर शो हो रहा है, उसको आप सिंपली गूगल टैग करके वहाँ पर जा सकते हैं और अपना मोबाइल वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। नीचे की ओर यहाँ पर आपको तीन फीचर्स और देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप अपने फ़ोन के साथ कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हैं, आप अपने फ़ोन को सिक्योर रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये तीन एक्टिविटी कर सकते हैं। पहला फीचर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा प्ले साउंड का। इस फीचर का यूज आपको वहाँ पर करना है जहाँ पर आपका फ़ोन हाल ही में गुम हुआ। अगर आप 100% श्योर है कि आपका फ़ोन चोरी नहीं हुआ है, आपके आसपास ही कहीं गुम हुआ है, तो आप प्ले साउंड पर क्लिक करके अपने फ़ोन का साउंड बजा सकते हैं और यह रिंग आपका 5 मिनट तक बजता रहेगा। तो अगर आपका फ़ोन आपके आसपास कहीं पड़ा होगा तो आपका फ़ोन बजने लगेगा। यहाँ पर यह मैटर नहीं करता कि आपका फ़ोन साइलेंट है या स्विच ऑफ है, आपका फ़ोन अगर स्विच ऑफ भी है तब भी आपका फ़ोन रिंग करने लगेगा। तो इस वाले फीचर का यूज करके आप अपने फ़ोन को रिंग करा सकते हैं, इससे आपको अपना फ़ोन ढूंढने में हेल्प मिलेगी। अगला फीचर जो यहाँ पर मिलेगा सिक्योर डिवाइस। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने फ़ोन में किसी प्रकार का कोई भी लॉक नहीं रखते, अपने फ़ोन को विदाउट लॉक पर रखते हैं।
तो उन लोगों के लिए यह फीचर बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है, क्योंकि आप अपने फ़ोन को यहाँ से लॉक कर सकते हैं, जिससे कि आपका फ़ोन जिसे मिला होगा वो आपके फ़ोन के साथ कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। और अगला लास्ट वाला जो फीचर है बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, अगर आपके फ़ोन में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डाटा है जो अगर किसी के हाथ लग गया तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी को आपका ये डाटा ना मिले, कोई आपका ये डाटा ना देख पाए, तो यहाँ पर आप अपने फ़ोन को रीसेट भी कर सकते हैं, यहाँ से अपने फ़ोन का डाटा डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये तीन एक्टिविटीज़ आप अपने फ़ोन में कर सकते हैं, जैसे कि आपका फ़ोन सिक्योर हो जाए, आपके फ़ोन के साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके और आपका फ़ोन सेफ रहे। तो अगर दोस्तों लाइफ में कभी आपका फ़ोन अगर गुम होता है या फिर कभी चोरी होता है, तो आप इस ट्रिक से अपने फ़ोन को बहुत आसान तरीके से हासिल कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो का अपडेट मिलता रहे आपको लगातार। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।